आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। रोड पर स्थित प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा कुंभ मेला प्रशासन द्वारा कांवड़ मेला रद्द किए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि कुंभ मेला प्रशासन एवं उत्तराखंड प्रशासन को व्यापारी हित में एवं हिंदू हित में अपने निर्णय पर पुनः पूर्ण विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद भी कांवड़ मेले को कोरोना के नाम पर निरस्त किया गया था, आज तो पहले से स्थिति बहुत ही बेहतर है। कुंभ मेला प्रशासन को कांवड़ मेले विधिवत सम्पन्न करवाकर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रशासनिक क्षमता का परिचय देना चाहिए। उनका कहना है कि जब प्रयाग में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं हुई कुंभ मेले को लेकर और वहां सारे बाहर से आए यात्रियों पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, तो हरिद्वार में ही क्यों किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब जिला अध्यक्ष को और सभी व्यापारियों को चाहिए। इस बात से सभी व्यापारी क्रोध में नजर आ रहे हैं और सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि यहाँ भी कुंभ मेले को पूरे जोश के साथ पूर्ण किया जाए। ये प्रदर्शन कांवड़ मेले की प्रथम सिंहासना माना जाना चाहिए तथा अपनी कार्य क्षमता की परख करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला कुंभ मेला प्रशासन द्वारा रद्द करने का विरोध करते हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा कि हिंदुओं की बात करने वाली हमारी सरकार आखिर कांवड़ मेले स्थगित करने हिंदू समाज में क्या संदेश देना चाहती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में कुंभ मेले का क्या औचित्य रह जाता है, जबकि महाशिवरात्रि को कुंभ का मुख्य स्नान है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार भगवान शिव का ससुराल है, तो यही हर की पौड़ी से भगवान परशुराम ने कांवड़ उठाकर इस उत्सव की शुरुआत की थी। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने की मांग की और तमाम हिंदू नेताओं शंकराचार्य सहित महामंडलेश्वर संतों धर्माचार्य से मांग की कि वह हिंदू हित में कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराने हेतु कुंभ मेला प्रशासन से वार्ता करें, अन्यथा 2021 पर प्रचंड चिन्ह लगाया जाए। गाइडलाइन आ रही है, व्यापारियों के हित में कोई नहीं आ रही और व्यापारियों के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा, सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दी जा रही हमारे को। अब ये कांवड़ मेला पिछला लॉकडाउन के कारण सावन का भी निरस्त कर दिया गया था और शिवरात्रि के मेले को भी प्रशासन निरस्त करने में लग रहा है। जब वैक्सीन आ चुकी है तो कांवड़ मेला क्यों नहीं कराया जा रहा और कुंभ मेला क्यों नहीं कराया जा रहा हरिद्वार में? जब जगह जगह रैलियां हो रही हैं, धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो हरिद्वार में ही कोरोना फैल रहा है क्या? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से भी और प्रशासन से भी, हरिद्वार के क्या हरिद्वार में ही कोरोना है? प्रयागराज में इतना बड़ा भीड़ हो रही है, वहां कोरोना नहीं फैल रहा? गाजी बॉर्डर पे धरना चल रहा है, वहां कोरोना नहीं फैल रहा? हरिद्वार मेलों में ही कोरोना है, प्रशासन फेल है पूरी तरह से, प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है, प्रशासन अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहा है हरिद्वार में। इसलिए ऐसे ऐसे ये कोरोना की जगह जगह काउंटर रख देगा, हम इसका विरोध करते हैं। काउंटर वैक्सीन के लगने चाहिए, जगह जगह वैक्सीन लगानी चाहिए। जब वैक्सीन आ गई तो ये काउंटर, ये तो एक डराने वाली स्थिति प्रशासन पैदा कर रहा है हरिद्वार के अंदर। ये कोरोना की जांच कराओ और नई नई जो गाइडलाइन आ रही है, हम केंद्र की आ रही है, राज्य सरकार की आ रही है, उसका थोड़ा विरोध करते हैं। कोई भी कोविड की जाँच नहीं होनी चाहिए, होटल में यात्री को खुले रूप से कमरा दिया जाए, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, यात्री को श्रद्धालु को हरिद्वार में खुला आने दिया जाए। या तो हिंदू का हिंदू दुश्मन हो रहा है, एक कांवड़ मेला संपन्न नहीं करा सकता प्रशासन, छोटे से छोटा मेले में प्रतिबंध लगा रहा है, क्या मजाक बना के रख रखा? इससे तो कांवड़ मेला या कुंभ मेला ना होता तो वैसे ही हरिद्वार के व्यापारी सही दिशा में जा रहे थे। मार्केट में आकर मार्केट बंद करवाने की प्रशासन करेगा तो पूरा हरिद्वार बंद करेंगे हम उस दिन, और सारी चाबियां प्रशासन को सौंप देंगे। पूरे लॉकडाउन से मार झेल रहे, सरकार ने जरा सी हमारे को राहत नहीं दी गई। धन्यवाद।